हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज की इस वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे एग्ज़ाम में थिंक करना है, कैसे इसके प्रॉब्लम को विदाउट यूजिंग फार्मूला करना है, वो मैं सोचना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप सर्कल के किसी प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, सबसे पहले उसका एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। तो सर्कल की इक्वेशन है कि नहीं ये ईजिली पता लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों कॉफिशेंट इक्वल होना चाहिए। आपसे गलती ना हो तो उसके कॉफिशेंट को 1-1 बना लेना। अगर 1-1 में है तो ठीक, नहीं तो डिवाइड कर करके 1-1 बना लेना है। तो अगर सर्कल की इक्वेशन आपको दे दी गई है तो उसका सेंटर बहुत ईजी है निकालना। क्या करना है, एक्स के आगे जो भी बचा है, एक्स के आगे ध्यान दे विथ साइन ले लेना है, एक्स के आगे जो भी बचा है उसका हाफ कर देना है, मतलब 2 से डिवाइड कर देना है, और उसके बाद माइनस साइन लगाना है। तो इसलिए अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट, और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस आता। वैसे ही वाई के कॉफिशेंट जो भी होंगे विद साइन ले लेना, उसका हाफ कर देना, और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा कोऑर्डिनेट, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस। वेरी सिंपल। तो सर्कल का सेंटर आपको मिल गया। रेडियस निकालने में इन दोनों का स्क्वायर करना है, इसलिए माइनस हो प्लस हो फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर कर रहे हैं। माइनस सी जो कांस्टेंट टर्म होगा, तो अगेन यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ माइनस रखना है, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस रखना है। जैसे बता रहा हूँ बेटा वैसे करना है। तो सर्कल का इक्वेशन दे दिया तो सेंटर और रेडियस आपको मिल गया, तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पर उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अभी मैं बताऊँगा भी कैसे करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है, डायमीटर जो सर्कल के सेंटर से पास आउट होता है, अगर एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ऐसे सर्कल के क्वेश्चन डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या करना है, x में से x1 को घटाना, फिर x में से x2 को, दोनों x कोऑर्डिनेट को x से घटाना, इनटू मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन फिर बीच में, वैसे ही y में से दोनों कोऑर्डिनेट को घटाना इज इक्वल टू 0, ये सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, राइट। तीसरा पॉइंट जो बेसिक है, आप डायग्राम से समझ सकते हो कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो रेडियस का जो सम होगा वो उनके सेंटर के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो सेंटर का डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। रेडियस अभी आपको बता दिया, सेंटर कैसे निकालेंगे बता दिया। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एक्सटर्नली टच करेंगे। ऐसे कंडीशन में 3 कॉमन टेंजेंट हो सकती है, राइट। टेंजेंट होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, 3 कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं। इस टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली दोनों के जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा दोनों के रेडियस के सम से, और ऐसे केस में टोटल 4 कॉमन टेंजेंट हो सकती हैं, राइट। टोटल 4 कॉमन टेंजेंट हो सकती है। अगर सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आप देख सकते हो जो दोनों के रेडियस का सम होगा वो ज़्यादा होगा उन दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस से, निकाल सकते हो। और ऐसे केस में कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 2 होंगे। अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो दोनों के रेडियस का डिफरेंस दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा, और कॉमन टेंजेंट सिर्फ 1 हो सकता है, राइट। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट जो आप डायग्राम से एकदम अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। क्योंकि सेंटर निकालना, रेडियस निकालना बता दिया है, डिस्टेंस फार्मूला सबको मालूम रहता है। बेसिक फार्मूला लगाना है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं लगाना है, राइट। और एक लास्ट पॉइंट कि अगर किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम है तो इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट अगर आपको एज्यूम करना हो तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस को बोलते हैं। तो वो वेरी सिंपल है, जो सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट होगा प्लस रेडियस का कॉस थीटा लेना है, और वाई वाले में वही कोऑर्डिनेट वाई वाला और रेडियस का साइन थीटा लेना है, ये पैरामेट्रिक क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे थिंक करना है, उसका कंप्लीट आइडिया देता हूँ मैं वाया एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सर्कल का सेंटर बताना है जिसका रेडियस 3 है, और इस सर्कल को वो इस पॉइंट पे इंटरनली टच कर रहा है। तो ध्यान से देखो विदाउट यूजिंग फार्मूला कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, एक नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कर लेना। एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखो ये जो सर्कल गिवन है इसका आप सेंटर निकाल सकते हो। तो देख लो एक्स के कोफिशेंट का हाफ करेंगे तो 2, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो सेंटर कहाँ पे है ध्यान से देखो, 2 कॉमा और ये क्या हो जाएगा 3 पे। रेडियस निकालना हो तो क्विकली, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 12 और रूट, तो राइट, तो ये आ जाएगा आपको 5। तो रेडियस आ गया 5। अब 2, 3 कहाँ पे होगा ध्यान से देखो, 1, 2, ये 1, 2, 3, तो ये यहाँ पे होगा, और रेडियस कितना है 5। तो 5 डिस्टेंस आपको जाना है, ध्यान दें
1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर करके चले जाना है, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल डिस्टेंस लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5 तो आप इन पॉइंट को अगर मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो रिक्वायर्ड सर्कल आ चुका है। ध्यान से देखो कैसे करना होता है, क्विकली ये सब चीज़ करनी है। नाउ सर्कल का आपको सेंटर आ चुका है 2, 3, रेडियस आ चुका है 5, वो जो पॉइंट है -1, -1 वो यहाँ पे कहीं पे होगा राइट, और इसको मिला देंगे तो ये सेंटर से पास होंगे, ये रेडियस है 5 आपका। अब ऐसे सर्कल का सेंटर बताना जिसका रेडियस 3 यूनिट है और यहाँ पे इंटरनली टच कर रहा है, तो यहाँ पे रेडियस 3 यूनिट जाना मतलब 1, 2, 3 यहाँ पे कहीं पे आएगा। और ये बात तो क्लियर है, ध्यान से देखो कि ये जो डिस्टेंस है, चूँकि ये -1, -1 है तो ये डिस्टेंस यहाँ ओरिजिन से कितना होगा √2, चूँकि 3 यूनिट का लेना है तो इधर ही कहीं पर होगा, मतलब सेंटर जो होगा पक्का उस सर्कल का किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्या ये बात थिंक कर पाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो देखो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऐसे सोचना पड़ेगा बेटा आपको, देखो बाकी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगर सर हमें निकालना ही है तो बताओ, निकाल के बताओ, तो फिर निकाल के भी कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, अगर उस सर्कल का सेंटर अगर यहाँ पे कहीं पे है, टोटल डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 3 है, क्यों, क्योंकि रेडियस 3, तो ये 3:2 रेशियो हो गया। एकदम सेक्शन फार्मूला लगा दो बेटा, देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको निकालना है H, K, ये पॉइंट आपको मालूम है 2, 3, ये पॉइंट मालूम है -1, 1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 और ये 2 है, तो लगा दो तो H क्या हो जाएगा, इधर वाला इसे मल्टीप्लाई होता है तो 3 × 6, और इधर वाला इसे मल्टीप्लाई होता है राइट, तो 2 और -1 तो -2 डिवाइडेड बाई m+n, तो 3 + 2 कितना 5, तो देखो कितना गया ये 4/5, वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो समझो मैं आपको सोचने का तरीका बताना चाह रहा हूँ बेटा कि एग्ज़ाम में कैसे प्रॉब्लम को करना होता है। देखो बस एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, पॉइंट्स आपको लोकेट किया और मैं आंसर तक पहुँच गया हूँ, क्योंकि मेरे को क्लियर है कि चूंकि वो सर्कल आपको बताना जिसका रेडियस 3 है और इसी पॉइंट से इंटरनली टच करना चाहिए, तो आप ऐसा एक ड्रॉ करोगे, तो ध्यान से देखो कि उस सर्कल का सेंटर पक्का कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्यों, क्योंकि इतना डिस्टेंस तो √2 ही है जबकि 3 यूनिट का बोला है, और दोनों जब भी सर्कल इंटरनली अगर टच कर रहे हैं तो आप ही सोचो एक ही पॉइंट पे, तो दोनों के जो सेंटर होंगे और वो पॉइंट वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसी से हमने थिंक किया, ऐसा एक ही ऑप्शन था फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि ये माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, ऐसे करना होता है। और फिर अगर स्टिल दो ऑप्शन होते तो सर क्या करते, तो फिर कैसे सोचते ये? तो देखो मैंने कुछ भी फार्मूला यूज किया नहीं, बेसिक जो ड्रॉ करना है वो बेसिक यूज किया, सेक्शनल फार्मूला जो बेसिक जानते हो वो यूज करना बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में एक लाइन है 2x - y = m और वेयर m बिलोंग्स टू z, कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर हो सकता है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ m क्या होगा। तो देखो कैसे सोचना है, सबसे पहले ये लाइन को ऑब्जर्व करो 2x - y = m, तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म वेरी कर रहा है तो स्लोप तो फिक्स हो गया राइट, जितना भी m की वैल्यू कुछ भी आएगा तो स्लोप तो सारी लाइन का वही रहेगा राइट, डैट मीन्स ये सब की सब क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, क्यों, क्योंकि सब का स्लोप इक्वल है राइट, एक पॉइंट ये थिंक करना। दूसरा सर्कल आपको गिवन है तो उसको लिख लो x²y²-2x - 4y = 0, सेंटर आपको आ चुका है राइट 1, 2, कैसे, एक्स के कोफिशेंट का आधा माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस क्या राइट, और रेडियस भी आ चुका कैसे √1² 1, 2² 4, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो 0 राइट, तो √5 आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, क्विकली आपको बता रखा हूँ, नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कर देना है, 1, 2, तो ये 1 है, इधर ये 2 है, यहाँ पे होगा √5 मतलब 2 से कुछ ज़्यादा तो राइट, तो ये 1, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा इधर, ये 1, 2 थोड़ा सा ज़्यादा राइट, ये 1, 2 थोड़ा सा ज़्यादा, ये 1, 2 और थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये सारे पॉइंट को मिला कर करके आप एक सर्कल ड्रॉ कर दें, यहाँ पे ये सेंटर हो गया 1, 2। अब क्या कह रहा है कि अब इस लाइन का स्लोप देखो ध्यान से, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इसको लिख लो उस फॉर्म में, उधर y ले जाओ तो y = क्या हो जाएगा 2x - m राइट, तो ये स्लोप जो है वो पॉजिटिव में 2 है, मतलब इस टाइप की लाइन है राइट, तब इस टाइप की बहुत सारी लाइन होंगी। अब यहाँ पे सोचना बेटा, ध्यान से देखो कैसे रफी सर सोच रहे हैं, एक वो लाइन जो इसके सेंटर से पास हो रही होगी, ऐसी एक ही लाइन होगी राइट, जो सेंटर से पास हो रही होंगी राइट,
उसके बाद अगर इस डिस्टेंस पर अगर एक लाइन मिल रहा है तो इस डिस्टेंस पर भी आपको एक लाइन मिलेगा। फिर अगर इस डिस्टेंस पर एक लाइन मिल रहा है तो सेम उसी डिस्टेंस पर भी आपको एक लाइन मिलेंगे ऊपर नीचे राइट। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो वैल्यूज आने वाला है वो ऑड नंबर में, कैसे, क्योंकि एक ही लाइन ऐसी होगी जो सेंटर से पास करेगी, बाकी दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे दो दो लाइन मिलेंगी राइट। तो जैसे अगर यही तीन पॉसिबल होता तो तीन होगा, या फिर ये होंगे तो पाँच होंगे या सात होंगे, ऑड नंबर में आंसर आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका गया, अब ये दोनों में से कोई होगा। अब वो कैसे थिंक करेंगे, तो वेरी सिंपल राइट, समझो कि अगर वो लाइन इस पर टेंजेंट हो जाती तो यहाँ इस पॉइंट से इस लाइन इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर, तो उससे कम होना चाहिए राइट। तो सेंटर का जो डिस्टेंस है लाइन से हम लिख सकते हैं कैसे, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखो 2x - y = m है राइट। तो इस लाइन से इस पॉइंट का सेंटर का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, तो कैसे, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर देना होता है, पुट कर दो तो आप कितना होगा बताओ, 2 × 1 तो 2 हो जाएंगे, और y में -2 होगा राइट, इधर आएगा तो वो -m, इसका मॉड √√5 हो जाएंगे, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर इसके कोफिशिएंट का, और दिस शुड बी स्मॉलर देन √5, क्यों, क्योंकि √5 से कम होगा तभी वो लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेंगे, अदरवाइज ये नहीं होगा। ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है बेटा, बस कैसे करेंगे क्विकली, तो ये √5 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे राइट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि m की वैल्यू जो है वो ये √5 हो जाएंगे, तो -5 से 5 के बीच में होना चाहिए राइट। और -5 से 5 के बीच में कितनी वैल्यू आएंगी, 9, कैसे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 टोटल 9 वैल्यू जाएंगी। तो ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा बेटा, ध्यान से देखो कैसे मैंने सोचने का तरीका बताया। क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी दो पॉइंट है राइट, तो ए और बी दो पॉइंट है, इन दोनों का एब्सिस्सा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट इस क्वाड्रेटिक का रूट है, और ऑर्डिनेट बोले तो वाई कोऑर्डिनेट इस क्वाड्रेटिक का रूट है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ए बी को डायमीटर मानते हुए, तो अभी आपको कंसेप्ट बताया था, इसका अगर x1 y1 है और इसका अगर x2 y2 है राइट, वेयर x1 x2 इसके रूट होंगे, y1 y2 इसके रूट होंगे, और इसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल का इक्वेशन बताना है। तो सर्कल का इक्वेशन अभी बताया था, x − x1 x − x2 + y − y1 y − y2 = 0। ध्यान से देखो कैसे थिंक करना है, अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x² − x x1 − x x2 आएगा राइट। तो माइनस x अगर कॉमन लूँ तो x1 + x2 आएगा, और ये −± + हो जाएगा x1 x2। तो यहाँ से ध्यान से देखो ये क्या हो गया, ये सम ऑफ रूट हो गया, सम ऑफ रूट क्या होता है, −b/a, तो यहाँ से सम ऑफ रूट −b/a कितना हो जाएगा, −2/, और x² का कोएफिशिएंट 1 है तो 1, तो यहाँ पे माइनस आएगा राइट, और खुद माइनस है तो x² + 2ax होगा, यहाँ तक समझे बात, तो प्लस होगा अगर 2x तो ये दो ऑप्शन तो आपके गए क्योंकि माइनस है, इन दोनों में से होगा राइट। अब सिर्फ यहाँ प्लस माइनस होगा तो x1 x2 प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a, तो क्या है वो, −b² / 1 राइट, माइनस है और उसका भी माइनस ही आएगा राइट। तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस माना चाहिए, ऑप्शन क्या होगा, d। देखो पूरा सॉल्व नहीं करना, ऐसे आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, कौन ऑप्शन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, कैसे इमिनेट करना है। तो बेटा हर प्रॉब्लम में मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम को कैसे सोचना है वो बताना चाह रहा हूँ, और ये सारे प्रॉब्लम PYQ हैं, किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दो सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ध्यान से देखो अगेन कैसे करना है, सबसे पहले आप XY एक्सिस ड्रॉ कर लें, पहले सर्कल को ध्यान से देखो, सिर्फ x का कोफिशियंट उसका हाफ, और प्लस है तो माइनस a, 0 पे इसका ये है राइट, तो −a, 0 है, और रेडियस क्या हो जाएगा, √√a² प्लस है तो −c राइट। दूसरा सर्कल का ध्यान से देखो तो 0, −b होगा, और रेडियस क्या हो जाएगा, b² - c, तो 0, −b इधर कहीं पे होगा राइट, और रेडियस b² - c। ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली टच करता हुआ बना दिया, ये ध्यान से देख बना दिया, तो आपको कंडीशन पता लग गई, ये c1 से c2 का जो डिस्टेंस होगा ध्यान से देखो वो रेडियस के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे r1 r2 मिल चुका है, तो वी कैन से a² - c + b² - c शुड बी इक्वल टू
दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो सॉल्व करेंगे तो एक बात तो क्लियर है कि सी उधर जाएगा और सी का पावर कितना, वन है, रूट सब कैंसिल हो जाएंगे तो वी कैन से कि वन अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई सी होगा। ध्यान से समझो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि सब में वन अपॉन ए स्क्वायर सब कुछ सेम है, राइट। पूरा सॉल्व करके आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, तो क्लियर है। और सी उधर जाएगा इक्वल साइन के तो प्लस में आएगा और सी पे पावर एक होना चाहिए, तो सी ए स्क्वायर वाले तो पहले आप कैंसिल कर दो, राइट। और ये दोनों प्लस में होंगे, इधर ये जाएगा तो ये प्लस में होगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा, बी, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो ऐसे आपको एग्जाम में थिंक करना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में लेमडा इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑन द सर्कल, सर्कल का क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द दिस लाइन तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमडा का बताना है। तो अगेन सेम, देखो रफी सर कैसे सोचते हैं, वैसे आपको भी सोचना पड़ेगा बेटा। वेरी सिंपल, सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर कहाँ पे आ गया बता दो मेरे को, -1, -1, रेडियस क्विकली 1, 1 + 3 डेट इज रूट फाइव। तो -1, -1 इधर कहीं पे होगा और रूट फाइव का रेडियस का एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये लाइन ड्रॉ कर लो बेटा, एक्स को जीरो करोगे तो वाई -13 इधर कहीं पे होगा बहुत दूर, राइट। और एक्स को जीरो किया तो वाई -13, वाई को जीरो किया तो एक्स -13/2 इधर कहीं पे होगा, तो ये लाइन है। अब इस सर्कल पे एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, तो डेफिनेटली आपको पता लग गया ड्रॉ करके कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से जाने वाला होगा और अपोजिट में होगा, राइट। तो क्या मैं सेंटर से इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। वैसे बाय द वे ये रेडियस कितना है, रूट फाइव है, राइट। ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ, सेंटर का कोऑर्डिनेट -1, -1 है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, -2, -1, + 13 का मॉड डिवाइडेड बाय रूट फाइव, तो कितना हो जाएगा, 10/√5 डेट इज 2√5। तो आपको पता लग गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, बोलो बेटा 2√5। ये कितना है रूट फाइव, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, अगर यहाँ से यहाँ तक का बोलूँ तो रूट फाइव मैक्सिमम डिस्टेंस बोल रहा है। आप खुद ही सोचो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस है रूट फाइव, तो रूट फाइव कितना हो गया, 3√5। तो मैक्सिमम बोला था तो 3√5, मिनिमम बोलता तो रूट फाइव। देखो मैंने बस डायग्राम ड्रॉ किया, वहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि मैक्सिमम बोलेगा तो वो सेंटर से पास आउट होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट होगा जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा इस लाइन से, क्योंकि इधर कोई पॉइंट लोगे तो कम डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। अब देख सकते हो तो ये रेडियस, ये भी रेडियस और एक्स्ट्रा ये, तो मैंने यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल ही लिया था 2√5 प्लस ये रेडियस एक और, तो 3√5। आंसर इज बी, ऐसे सोचना। क्वेश्चन नंबर 6 में सर्कल पासेस थ्रू 4, 0 और 0.2, और अगर इसका सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो रेडियस ऑफ सर्कल अगर आर है तो इसकी वैल्यू बताना है। तो अगेन ध्यान से देखो, ऐसे पढ़ के कुछ भी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले बेटा अगेन देखो, सारे क्वेश्चन में मैंने वाई किया, ये ड्रॉ करते ही आधा प्रॉब्लम सॉल्व। कहाँ कहाँ है 4, 0 लोकेट कर दो, 4, 0। दूसरा कहाँ है 0.2, यहाँ पे होगा 0.2। ये दो पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है और सर्कल का जो सेंटर है वो कहीं वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो राइट इनसे पास होने वाला आप एक सर्कल बना दे। यहाँ से देखो एक रफ डायग्राम एक ड्रॉ कर दिया, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे 0, y ले लेता हूँ मैं, राइट, क्योंकि वाई एक्सिस पे, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, राइट। कोई भी अगर ड्रॉ करूँ तो सर्कमफ्रेंस पे सब रेडियस ही होगा, राइट। तो ये रेडियस है इक्वल कर सकते हैं दोनों डिस्टेंस को, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो x 0 है, तो ये हो जाएगा y -2 का स्क्वायर और उसका रूट ओवर दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक देखो तो 0 - 4, तो ये 4 का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे 0 - y तो +y का स्क्वायर और उसका रूट ओवर होगा, राइट। तो अब यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ध्यान से देखो बी स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू 16 + y² y² गेट कैंसिल, राइट। तो ये 16 में से 4 गया तो 12, तो यहाँ से y कितना आ गया -3, तो ये आते ही 0, -3 रेडियस देखो, यहाँ से यहाँ तक -3 होगा और प्लस ये 2, तो टोटल रेडियस कितना हो गया, ध्यान से देखो 5। कुछ नहीं करना बेटा, देखो डायग्राम ड्रॉ करते ही सब रेडियस 5 हो गया, तो r अगर 5 है तो पुट करो तो 25 - 5 + 1, तो कितना हो जाएगा 20 + 1 = 21, तो आंसर 21। देखो कितना शॉर्ट में मैंने निपटाया, क्विकली ड्रॉ करो आंसर पाओ।
क्वेश्चन नंबर 7 में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताना है दो सर्कल के क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, इस सर्कल का सेंटर क्विकली बताओ क्या हो जाएगा, 3.7। रेडियस बता दो क्विकली कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, और ये माइनस में 48 हो जाएगा, राइट, प्लस है तो माइनस, और ये तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो आपका √10। दूसरा सर्कल यहाँ है, सेंटर क्विकली बता दो कितना हो जाएगा, सिर्फ 3.0, राइट, ये माइनस है तो प्लस, और वाई तो है नहीं, रेडियस बता दो, तो √3 का स्क्वायर 9, वाई है नहीं, कांस्टेंट है नहीं, तो राइट, तो 3 हो जाएगा। आप क्विकली क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो कितना हो जाएगा, देखो 3 - 3 = 0, 7 - 0 का स्क्वायर, तो 7 हो जाएगा। तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है 7। R1 + R2 कर लो, R1 + R2 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 3 + √3 कितना होगा, 3 point something, तो डैट इज 6 point something, जो कि क्या हो रहा है, इससे छोटा हो रहा है, तो डैट मीन्स ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करोगे तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये C1 ये C2, तो C1 C2 यहाँ पे जो है ध्यान से देखो वो ग्रेटर है R1 + R2 से, राइट। तो इस पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो जाएगा आप ही बता दो क्विकली, बता रखा हूँ कितना हो जाएगा आंसर इसका, 4 नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से आपको सोचना है क्विकली। क्वेश्चन नंबर 8 में इस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन बताना है, तो अगेन ध्यान से देखो क्विकली कैसे करेंगे, पहले सेंटर निकालो कितना हो जाएगा, -1, 2, राइट, बस इतना। रेडियस क्यों नहीं निकाला, क्योंकि देखो सम में बेटा 3, 3 है, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आपको मालूम है कि ये -1 होना चाहिए, -1 वाला यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे, और वो प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस है यही प्लस है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। आपको कुछ नहीं सोचना है, और एक्स वाले में कॉस थीटा लगता है, वाई वाले में साइन थीटा, देखो क्विकली ऐसे आपको एग्जाम में थिंक करना पड़ेगा, सॉल्व नहीं करना बेटा, सॉल्व करके नोबेल प्राइज़ तो मिलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर ये सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं तो आपको अल्फ़ा क्यू की वैल्यू बताना, तो वेरी सिंपल है, अगेन आप क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर देंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो x² y² = 9, तो इस सर्कल का सेंटर 0, 0 और रेडियस हो जाएगा 3, राइट, तो ये एक सर्कल हो जाएंगे। दूसरा जो सर्कल है उसका आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, -a, -1, और रेडियस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो a² + 1, वहाँ -1 है, तो ये a के बराबर हो जाएगा, राइट, और इंटरनली टच करना चाहिए, तो ऐसा कुछ होगा आपका इंटरनली टच करने में। तो अभी बताया था आपको कि दोनों के जो सेंटर का डिफरेंस होगा वो, तो वी कैन से कि C1 C2 should be equal to R1 - R2, राइट, C1 C2 हम क्विकली निकाल सकते हैं दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस, तो अब यहाँ से देख लो तो क्या आ जाएगा बताओ, a² और ये +1 और उसका रूट हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू दोनों के रेडियस का डिफरेंस, तो रेडियस का डिफरेंस ध्यान से देखो तो कितना आना चाहिए, 3 - a, राइट, अब ये कितना हो जाएगा, a² + 1 = 3 - a² अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो a² + 1 = a - b² / a² + b² - 2ab, राइट, तो ये a² गेट कैंसल, तो इधर ले आओ तो 6a = राइट, ये कितना हो जाएगा, 9 और में से एक गया तो 8, तो ये हो जाएगा 8/6 मतलब 4/3, तो इसका क्यूब करना है तो कितना हो जाएगा, 64/27, सो ऑप्शन विल बी डी। देखो एकदम बेसिक लगाया और आंसर तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 10 में साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन, ओके, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है जिसका सेंटर जो होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल होगा, और सर्कल जो है वो रेक्टेंगल के दो अपोजिट एंड को ही टच कर सकते हैं। तो अगेन ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, फिर से वही सेम, अपने पास एक ही हथियार है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके पॉइंट को लोकेट करो, एक x = -2, ये लाइन हो जाएगी, राइट, एक x = 4, ये लाइन हो जाएगा, y = -2, ये लाइन हो जाएंगी, और y = 5, ये वाला हो जाएगा। तो ये आपको आ चुका है कौन, बोलो, ये रेक्टेंगल, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये y = 5 था और x = -2, तो ये -2, 5 हो जाएंगे। ये वाला कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये वाला कितना था, y 5 और x कितना था, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4, 5, ये 4, -2 हो जाएंगे y का, और ये वाला आपका x -2 था और y जो है वो भी -2 है।
आपको सेंटर कहाँ पे बोला है, किसी भी डायगोनल पे कैसे भी ले लो राइट, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपको बोला है। तो ध्यान से देखो ये, तो ये मिड पॉइंट होंगे, मिड पॉइंट फिर हमसे निकाल सकते हैं किसी से भी। तो क्या हो जाएगा, 4 और प्लस ऑफ माइनस 2, तो 2/2 तो 1 हो जाएगा राइट, ये वाले कोऑर्डिनेट। एंड 5 - 2 तो 3/2, तो 1, 3/2 सेंटर होना चाहिए। ऑप्शन चेक करो बेटा, तो ध्यान रहे कि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, दोनों नेगेटिव राइट। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, देखो प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, प्लस प्लस है, तो क्या होगा ऑप्शन डी। देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा बेटा। अगर ऐसा आप सोचते हो तभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ईजिली बनेंगे और 30 सेकेंड के अंतर में बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में, दो टेंजेंट्स टू द सर्कल एट द पॉइंट ए एंड बी मीट्स -4, 0, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको बताना है, ओ इज ऑरिजिन। ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते बेटा। देखो कुछ भी मैं नहीं सोच रहा हूँ, बस कैसे आपको करना है। सबसे पहले अगेन एक ही अपने पास हथियार है बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो राइट, जिसका सेंटर 0, 0 पे, रेडियस 2 है राइट, 0, 0 एंड रेडियस इज 2, ये आपको मालूम है बस। उसके बाद क्या कह रहा है, -4, 0 लोकेट करो बेटा, यहाँ पे होगा। इससे क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट उसने बोला ए है, ये पॉइंट बी है, ये ओरिजिन है, तो ये यहाँ से यहाँ अगर मैं मिलाऊँ तो क्या ये टेंजेंट और ये जो है ये परपेंडिकुलर होगा 90, ये वैल्यू 2 है राइट। यहाँ से यहाँ तक का देख लो आप, तो आपको पता ही है कितना है, 4 है डिस्टेंस, तो क्या ये मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ राइट पाइथागोरस थ्योरम से, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 16 - 4 का रूट राइट, ये डिस्टेंस अगर एक्स मानूँ तो एक्स कितना आ गया, 2√3 राइट, 12 हो गया, तो 2√3। देखो ध्यान से देखते रहो कैसे कर रहा हूँ मैं, हमसे क्या पूछा है, एरिया किसका, ये वाले का, देखो यहाँ ये और ये वाले का, तो सबसे पहले क्या ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 × बेस × हाइट, जो बेसिक 9-10th में जानते बेटा वही लगा रहा हूँ राइट। तो 1/2 बेस बोलो बेटा तो 2, हाइट बोल दो, तो ध्यान से देखो हाइट क्या होगा, ये 90 डिग्री है, गलती मत करना, तो ये बेस, ये हाइट, ये वाला, ये 4 मत पकड़ लेना, जो निकाला अभी 2√3, 2 गया तो 2√3, तो ये कौन सा एरिया आया, ये 1/2 एरिया, क्या ये दोनों एरिया सेम होंगे, हमें टोटल निकालना है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बोल दो, 2 × 2√3, आंसर इज 4√3। देख लो कहाँ पे मैंने क्या लगाया, डायग्राम ड्रॉ किया बेटा, सब कुछ आपको क्विकली पता लगते जाएगा, सिंपल 9-10 का बेसिक इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में एक सर्कल का इक्वेशन बताना है जो पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के सेंटर से पास होता है, और कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक का मतलब क्या हो गया कि उसका सेंटर भी वही है जो इस सर्कल का है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा गलती मत करना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट 2-2 है, जबकि आपको क्या बोला है 1-1 बनाना है, तो पहले 2 से डिवाइड करके इसको लिख दो, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों का कोफिशियंट पहले बेटा 1 बनाना, ये ध्यान रहे, तो ये कितना हो जाएगा -4x माइनस में 6y माइनस में 9/2 = 0, इसका सेंटर बता दो क्विकली, एक्स का कोफिशियंट नेगेटिव है तो 2 हो जाएगा राइट, और यहाँ पे 3 बता रखा हूँ, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, और हाफ कर देना है 2, 3, सर्कल का सेंटर कहाँ पे 2, 3 पे, कंसेंट्रिक बोल दिया, तो पहले तो देखो कि 2, 3 इसमें किस सर्कल का सेंटर है, तो ध्यान से देखो सिर्फ इसका है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है नेगेटिव आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो ओनली एक ही ऑप्शन है डी। देखो कुछ नहीं करना बेटा, क्योंकि आपको ऐसा नहीं, आपके माइंड में क्या बैठा हुआ है, सॉल्व करके फिर देखना है कि कौन सा आंसर होगा, नहीं बेटा उल्टा थिंक करना है, रफ़ी सर की तरह थिंक करना है, तब जाकर के आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द सर्कल दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस इज, और ये गिवन है, तो अगेन फिर से बेटा देखो मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए आपके सामने राइट, पहले ये ड्रॉ करो, ये सर्कल आपको मालूम है कहाँ पे सेंटर हो गया, 0, 0 और रेडियस कितना हो गया इसका 5, अब पॉइंट 1, 7 आपका कहाँ पे होगा, 1, 7 यहाँ पे, इस पॉइंट से आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर दिया मैंने बेटा राइट, अब आपको इनके बीच का एंगल बताना है, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ, एकदम सिंपल, क्या मुझे सेंटर मालूम है, तो ये और ये देखो ये 90 डिग्री होगा क्या, क्योंकि टेंजेंट है राइट, ड्रॉ कर दिया, तो ध्यान से देखो ये रेडियस है तो 5 होगा,
क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि 1.7 और 0.0 अपने आप बेटा सिंपल डिस्टेंस फार्मूला तो लगा दो तो कितना हो जाएगा 49+1 डैट इज √50 डैट इज 5√2। तो ये डिस्टेंस आ गया 5√2, तो ये कितना हो जाएगा 5 पाइथागोरस थ्योरम से। आप ध्यान से देखो तो मैं निकाल सकता हूँ tan थीटा, ये वाला tan थीटा क्या होता है P/B, तो ध्यान से देखो P/B तो 1 हो गया, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया π/4। हमें टोटल एंगल निकालना है तो ये भी π/4 होगा राइट, तो टोटल एंगल कितना हो गया बता दो मेरे को π/2, ऑप्शन इज डी। देखो कुछ किया मैंने, ज्योमेट्री ड्रॉ किया सिंपल, 9th-10th का पाइथागोरस थ्योरम, डिस्टेंस फार्मूला, यही सब यूज किया। 9th-10th ही है बेटा जेई, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, सोचने का तरीका चेंज करो क्वेश्चन ईजी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना आपको, जो ये दो पॉइंट से पास हो रहा है 1.-2 4.-3 एंड हुज सेंटर लाई ऑन द लाइन। ध्यान से देखो ये लाइन पे लाई करना चाहिए उसका सेंटर 3x+2y=7 पे। तो देखो बेटा कैसे सोचना है, सॉल्व नहीं करना है, आपके माइंड में ऑलवेज जो है वो ट्रेडिशनल मेथड कन्वेंशनल मेथड बैठा हुआ। देखो रफ़ी सर कैसे थिंक करते हैं, अगर उसका सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये लाइन की वैल्यू 7 होना चाहिए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सम में 3-2 आएगा राइट, प्लस आएगा माइनस आएगा बाद में, सम में 3-2 आएगा सेंटर राइट, क्यों, क्योंकि एक्स का कोफिशियंट का हाफ करना वाई के कोफिशियंट का। 7 कब आएगा जब एक्स 3 हो और वाई कितना हो -1, तभी 9-2 7 होगा। तो 3.-1 होना चाहिए, 3.-1 किसका सेंटर है ये वाला, ऐसा एक ही ऑप्शन है तो क्या हो गया डी। तो ऐसे आपको थिंक करना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट से पास कर रहा है तो वो इक्वेशन बनाए फिर ये सेटिस्फाई कर रहा है, आपको ऑलवेज उल्टे तरीके से सोचना पड़ेगा, अल्टरनेट अप्रोच लगाना पड़ेगा, तब जा करके आपसे क्वेश्चन इजीली एग्जाम में सॉल्व होंगे। इसलिए ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हो, क्लियर किया हो, उनके पढ़ाने का तरीका इस तरीके से हो, तो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा तभी जा करके आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगेन जाते जाते एक ही पॉइंट बोलूँगा बेटा कि ये 14 क्वेश्चन मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको 14 क्वेश्चन बताना है, आपके सोच को बदलने के लिए मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, जिस दिन आपने ऐसा सोचा आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू।